नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राम लड्डू यानी कि पल्ले। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा केजी चने का दाल, जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा था। और चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और लगेंगे। स्वाद अनुसार नमक, थोड़े से धनिए के पत्ते, थोड़े से कड़ी के पत्ते, ये सारे इन्ग्रीडियंट्स को मैं पल्ले में मिक्स करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस चने के भिगे हुए दाल को दरदरा पीस लेंगे। तो इसे हम डालेंगे एक मिक्सर बाउल में थोड़े थोड़े करके, और इसे हमें पीसना है दरदरा। तो ये देखिए हमारा दाल ये दरदरा पीस चुका है। इसी तरह हमें सारे दाल को अच्छी तरह से दरदरा पीस लेना है। तो ये सारे दाल को मैंने अच्छी तरह से दरदरा पीस लिया है। तो ये हमारा दाल का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। दरदरा हमने इसे पीस लिया है। तो अब हम इसमें नमक मिक्स करके इसको अच्छी तरह से फेटेंगे। तो मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक मिक्स करूंगी। इसे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए अच्छी तरह से फेटूंगी, जब तक ये फूल के हल्का नहीं हो जाता। तो इसे इसी तरह धीरे धीरे करके फेटना है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से फेट लिया है। चलिए चेक करते हैं कि ये अच्छी तरह से फिटाया है या नहीं। उसके लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें मैं इसे डालूंगी। देखिए ये ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये कटी हुई कड़ी पत्ते और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, और अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। और फिर ये तैयार है राम लड्डू बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसे तलते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है जिसमें मैं राम लड्डू बनाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी सरसों ऑयल। मैंने यहाँ सरसों तेल का यूज किया है। आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसन के पकौड़े आप सरसों तेल में बनाएंगे तो और भी अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे राम लड्डू। तो इस तरह हमें इसे गोल शेप में डालना है। इस तरह करके हम डालेंगे इसे गोल गोल शेप में। Thank you.
अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह करके हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से दोनों साइड से पक जाए। तो हमारा राम लड्डू अच्छी तरह से पक चुका है, देखिए इसका कलर सुनहरा हो चुका है। तो अब हम इसे छान लेंगे अच्छी तरह से। तो हमारा राम लड्डू अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, हमने इसे अच्छी तरह से तल लिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। हरी धनिया की चटनी, और पुदीने की कुछ पत्तियां। तो तैयार है हमारा राम लड्डू पल्ले खाने के लिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।